हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। ठीक है, आई होप आपको पुराने वाली वीडियोस क्लियर होगी हो। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं अभी भी। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, हिल्स माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म्स द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये जो हिल माउंटेन और सीज़ हैं, ये एक नेचुरल फ्रंटियर बनाती है, एक प्रोटेक्शन बनाती है हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट से। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मतलब उसके आसपास वाले इंडिया जो एरिया है, तो जो हिल्स और माउंटेन्स हैं, ये एक तरह का नेचुरल फ्रंटियर है। ठीक है, हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करके रखती है। वेल, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, दोज हु वॉन्टेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। लेकिन इन फ्रंटियर्स को मतलब क्रॉस करना, ठीक है, रुकावटों को, बैरियर्स को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई करना चाहे तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? माउंटेन्स को स्केल्स करके, उनको थोड़ा सा जगह निकाल के, तोड़ के, ठीक है, क्रॉस करके, सीज को क्रॉस करके भी वो फ्रंटियर्स क्रॉस करते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट सेटल हेयर। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, फ्रंटियर्स को क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट्स की तरफ मतलब निकल के वहाँ से सेटल होने आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिचेज आर कल्चरल ट्रेडिशन। कल्चरल ट्रेडिशन को इनरिच करता है, मीन्स यही मूवमेंट लोगों का एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरी सब कॉन्टिनेंट में आना, ठीक है, सी के थ्रू आ रहे हैं, माउंटेन को स्केल करके आ रहे हैं, तो इसी से हमारा क्या होता है, काफ़ी कल्चरल ट्रेडिशन इनरिच होता है, बढ़ रहा है, कि लोग जानने आ रहे हैं हमारे कल्चर्स को सब कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके, सीज को क्रॉस करके। ठीक है, पीपल हैव शेयर न्यू वेज ऑफ क्रेविंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो लोग क्या कर रहे हैं, नए नए तरीके जान रहे हैं कि हमें कैसे स्टोन्स की क्रेविंग करनी चाहिए, कैसे शेप देनी चाहिए, हमें कैसे कैसे म्यूजिक को कंपोज करना चाहिए, किस तरीके के खाने बनाने चाहिए। काफ़ी सालों पहले ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता चल गया हो कि लोग Why do people travel nowadays? क्यों लोग travel कर रहे हैं आज भी। ठीक है, तो culture और traditions को जानने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आने वाली videos में हम जानेंगे कि name of the land के बारे में। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली videos का notification आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।